हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ विशाल द वाइब्रेंट विशाल और आप देख रहे हैं चैनल यार इन दी कार। और ये दिखा रहे हैं आपको रेनो की काइगर में एक ऐसा इशू आया था जो मुझे लग रहा था कि इंजन हीटिंग इशू, यानी कि इंजन का टेम्परेचर बढ़ रहा था स्क्रीन पे, उसके बार ज़्यादा दिख रहे थे। तो मैं इसको एजेंसी में ले आया हूँ दिखाने के लिए। और आजकल आपको पता ही है गाड़ियाँ एडवांस हो गई हैं, तो ICU पे लगाते हैं, यानी कि एक लैपटॉप सा रहता है उस पे लगाते हैं, स्कैन करते हैं, जिससे पता चलता है कि गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इसको ICU पे लगाया गया है। वो वायर देखिए वो आगे जा रही है, उधर कनेक्ट हो जाती है, और उसके साथ ऐसे इस पर चेक करके ये देखते हैं कि कहीं पूरी गाड़ी में कहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारी जो इशू था वो था ये वाला कि यहाँ से जो इंजन की हीटिंग की प्रॉब्लम मुझे महसूस हो रही थी कि ऐसा हो रहा है, बट जो मुझे अभी जानकारी मिली है यहाँ से कि जो H है, यानी कि जब पूरा हीटअप हो जाता है वहाँ तक जब बार चली जाए, अभी जैसे दो बार नीचे है, और जो नीचे ये होता है इंजन हीटर, ये भी रेड होके ब्लिंक होने का बीप आएगी। ऐसा हो तब परेशानी है, तो आप ज़रूर दिखाएं, चेक करवाएं। बट अमूमन अगर ये यहाँ तक नीचे है तो डरने की बात नहीं है। आपने बहुत देखा होगा लोग वीडियो डालते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है काइगर में, पर ये प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मुझे अभी जानने को मिला है। बाकी देखते हैं, अब ICU पे लगी हुई है गाड़ी, स्कैन हो रही है, इससे पता चलेगा कि एक्चुअल में है भी इशू या नहीं, लेट्स सी। पर मुझे चीज़ अच्छी बहुत लगी कि हाँ स्कैन करके पता चल जाएगा कि परेशानी है या नहीं है। ये रेनो काइगर का RX-Z मॉडल है, टॉप मॉडल। रियर से गाड़ी ऐसे दिखती है, आपने पहले भी देख ही रखी है, और टॉप मॉडल के अंदर आपको ये रियर वाइपर भी मिल जाता है। ये सी शेप टेल लैंप इसके बहुत स्मार्ट हैं, स्पोर्टी लगते हैं, और ये इसका जो है ये भी काफ़ी स्पोर्टी लगता है, ख़ास तौर पर ये जो चीज़ है। सो फ्रेंड्स, गाड़ी हो गई है पूरी चेक, और इन्होंने कहा कि ICU पे जो दिख रहा है टॉप, मतलब इंजन की जो कैपेसिटी होती है वो 100 तक दिखाती है, तो मेरी 96 दिखा रही थी उस लैपटॉप पे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो 100 पे को एक्सीड करता है तो आगे फैन है वो ऑन हो जाता है और गाड़ी को वो ठंडा करने की कोशिश करता है। तो अब आप सबकी जानकारी के लिए कि ये वाले जो बार, मैं फिर से दिखा रहा हूँ उंगली से, ये बार यहाँ तक है, इसके बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यानी कि अगर यहाँ तक भी है तब भी डरने की बात नहीं है, और अगर यहाँ आता है तो डरने की बात अवश्य है। जैसे ही रेड पर बार पहुंचेगा तो ये जो नीचे है इंजन का बना हुआ, ये रेड कलर का हो जाएगा और ब्लिंक करने लगेगा और बीप की साउंड आएगी। तो दोस्तों, जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक आप बेखौफ बेडर निडर गाड़ी चला सकते हैं, डरने की बात नहीं है। बट हाँ, अगर ये बार यहाँ रेड तक पहुंची और ये वाला ब्लिंक करने लग गया और टी 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 बीप साउंड आने लग गई, तब बिल्कुल आपको गाड़ी एजेंसी में लेके जानी पड़ेगी या किसी भी मैकेनिक के पास लेके जानी पड़ेगी जो इसको ठीक करेगा। तो यही था आज का व्लॉग, आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार इन द कार। खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, एंड ड्राइव सेफ।